ગુજરાતના તમામ મહત્વના સમાચાર જાણો હવે WhatsApp પર અને ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો। भारत में अब पाकिस्तान से आए हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता पत्र दी जा रहे हैं। गुजरात सरकार की तरफ से अभी तक 1100 से ज्यादा पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी गुजरात सरकार ने कुल 108 हिंदू जो पाकिस्तान से आए हैं उनको पत्र दिए। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप पाकिस्तान में से अब भारतीय नागरिक बन चुके हैं, पाकिस्तान छोड़ चुके थे कई सालों से, कहाँ रह रहे थे भारत? मीठे में रह रहे थे, भारत में, भारत पालमपुर रह रहे थे पहले। अब कितने साल आपको यहाँ हो गए नागरिकता के बगैर रहते हुए? 10 साल हो गए हमें, 10 साल हो गए, अभी नागरिकता मिल गई, अभी बहुत खुशी हो गई है हमको। और पिछले 10 सालों में अगर मैं आपसे बताऊं तो क्योंकि आपके पास भारत की नागरिकता नहीं थी तो क्या क्या दुविधा का आपको सामना करना पड़ता? ज्यादा तो कुछ भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता था, इसके लिए सब अपने के सपोर्ट में ही थे। अच्छा। इसके लिए पूरी इंडियन टीम अपने सपोर्ट में ही थी इसके लिए। भारत से आपको अच्छा सपोर्ट मिला इसके लिए। मिला के आप लोग आज जब भारतीय नागरिक बने हैं तो पाकिस्तान में क्या क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती थी, आपको भारत क्यों आना पड़ा? पहले तो वो तो दिक्कतें कम थी, अभी तो ज्यादा बढ़ गई है दिक्कतें, किडनैपिंग, महंगाई, हर बात की अब तकलीफ बहुत हो गई उधर, पहले से अभी ज्यादा हो गया उधर। जब आपने सोचा था पाकिस्तान छोड़ देंगे तो क्यों सोचा था, क्या कुछ सोचा होगा? छोटे थे हम, जब छोटे थे 14 साल, 8 साल। तो आपके माता पिता इधर रहते हैं? वो तो इधर ही, उनको 10 साल हुए आए हुए, माता पिता को 10 साल हुए आए हुए, इसको 8 साल के यहाँ भेजा था। एक बात अगर आपसे पूछूं, आपसे भी पूछें, अगर भारत की नागरिकता पाने के बाद आपको लगता है कि आपको और सुविधा मिलेगी भारत में या पहले से ही सुविधाएं मिल रही थी आपको? बहुत ज्यादा मिलेगी सुविधा, अभी बच्चे भी सेफ हो गए, हम भी सेफ हो गए, सब सेफ हो गए, हमारा पाकिस्तान का नाम हट गया, इंडियन हो गए, ये तो बड़ी बात है। आप क्या कहना? बहुत अच्छा लग रहा है, शी इज माई वाइफ, आई एम डॉक्टर। 2 साल पहले मुझे नागरिकता मिली थी, अभी इनको भी मिल गई है, अभी बच्चों को मिलेगी, उनका फ्यूचर जो है भविष्य अच्छा बनेगा, उनको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिलेगी। जब तक नागरिकता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में रहते थे तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? डॉक्टर था कराची में, मेरे क्लिनिक के आगे लोगों को मार के फेंके जाते थे, इतनी बड़ी सिस्टम। मैं 2014 में आया हूँ, उस टाइम बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, अभी उससे भी ज़्यादा खराब है, मैं तो इसलिए हम छोड़ के यहाँ आ गए। वहाँ तो डेली फ़ोन करके घर पर पूछना पड़ता था कि बच्चे आए कि नहीं आए, यहाँ तो 5-5 दिन हम कहीं भी चले जाएं पूछते नहीं कि बच्चे सेफ हैं, स्कूल से आए कहीं से आए कोई टेंशन नहीं ये है। और वहाँ रिलीजियस पे भी हम कहीं जा नहीं सकते थे, यहाँ हम बिल्कुल सेफ हैं, इंडिपेंडेंट कहीं जा सकते हैं आ सकते हैं। मंदिर सबसे ज़्यादा बच्चे सेफ हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा, अभी लेट भी आए तो हमें टेंशन नहीं होती, एक फ़ोन करते मम्मी 12 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, ये टेंशन है, वहाँ सारा दिन टेंशन में। अपने दवाखाने पर नाम भी पूरा नहीं, BL अखानी लिखा हुआ था, BLAL अखानी, यहाँ तो कोई पूछता है तो डॉक्टर भरत लाल ब्रह्मन शर्मा सब बताते हैं। ये इस तरीके से आप जो हिंदू हैं वहाँ पर, जो माइनॉरिटीज हैं, क्या वहाँ पर अहमदियों के साथ भी ऐसा ही होता है, जो वहाँ पे जैन रहते हैं उनके साथ? जो भी मिनॉरिटी है उनके साथ सब ऐसा ही सलूक रहता है, जो भी मिनॉरिटी है, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, कन्वर्ट कर देते हैं जबरदस्ती, इनको गन पॉइंट पे उठा के लेके जाते हैं। आपको भी कहा था कन्वर्ट करने के लिए? हमें कन्वर्ट करने लगे, लेकिन थ्रेट तो आते थे क्लिनिक पे किडनैपिंग के, ये इसलिए हम बात किया। जैसे यहाँ भारत में आपने सीमा हैदर का नाम सुना होगा, न्यूज पे सारा दिन चलता है सारा दिन, तो सीमा हैदर जब पाकिस्तान से आई तो उन्होंने अपना धर्म हिंदू मान लिया, उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली जी, वो तो सुना था, सारा दिन चलती रहती है टीवी पे, सीमा तो बहुत फेमस हो गई। आपने सीमा हैदर के बारे में सुना होगा? इंडिया पे सुना है। हाँ। मिले तो नहीं है सीमा हैदर को? भी नहीं मिली अभी तक नागरिकता, जब वो आई है यहाँ पर प्यार की तलाश में। अदनान समीम को मिली थी। हाँ। मुस्लिम होके उसको मिली थी जल्दी। अच्छा। वो तो अब तो अक्षय कुमार जो कनाडा के सिटीजन से, वो भी भारत के नागरिक हो, मिल गई उसको, अभी मिली है 15 अगस्त को मिली है ना इंडिपेंडेंट। हर कोई आज भारत की नागरिकता चाहता है, आपको लगता है कि भारत देश वाकई में एक सुरक्षित देश है? और बनने वाला है, नंबर 1 बनने वाला है, भारत की नागरिकता एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी।
एक हम हिंदू, कोई ऑप्शन ही नहीं था ना हमारे पास पाकिस्तान से, ऑप्शन हम बस भारत ही है, एक ही कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ हम सन्यासी आ सकते हैं, जा सकते हैं, जहाँ हमारा रिलीजियस सेफ है, इसलिए सब लोग यहाँ आते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कई ऐसे जो नागरिक हैं जो पाकिस्तान में रहते थे, जो वहाँ की मुश्किलें झेलते थे, आज भारत आ गए हैं और उनको नागरिकता प्राप्त हुई है। हम कुछ और लोगों से भी अगर बात कर पाएं तो हम बात करने की कोशिश करना चाहेंगे। अगर बात करने दें हमारे सहयोगी, तो हम पूछना चाहेंगे, आप भी आज भारत की नागरिक बनी है? हाँ। कब आई थी आप भारत? मैं 2009 में भारत आई थी और अभी 2023 में मुझे सिटीजनशिप मिली है जी, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से जी। तो आप कितने साल पहले आ गई थी, तो आपको याद है पाकिस्तान के बारे में कुछ, वहाँ क्या होता? बहुत छोटे बच्चे थे हम, तो हमारी फैमिली ने प्लान किया और हम यहाँ पे आ गए, बहुत छोटे थे। अभी मैं डॉक्टर हूँ खुद, तो जी हाँ, अब मैं अहमदाबाद में हर्ष डेंटल केयर पे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं बहुत हैप्पी लाइफ जी रही हूँ जी। आपके लिए ये अच्छा रहा कि आपको भारत की नागरिकता वक्त पर मिल गई? ऐसे कई लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिल पाई है, और क्या आपको लगता है कि भारत में आपका भविष्य बेहतर है, पाकिस्तान में नहीं था? जिस तरीके से आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था पाकिस्तान में जो आपको याद हो, जो तकलीफ दे था? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, हम बच्चे थे बट बहुत स्ट्रगल थी, बाहर से घर से बाहर निकलते नहीं थे, सेफ नहीं था, बट अब हम यहाँ पे आ गए, हम इजीली मतलब अच्छे से जी रहे हैं। पेरेंट्स क्या कहते थे? बाहर नहीं निकलना बेटा, बाहर नहीं निकलना। और अब इधर हम खुशी से घूम रहे हैं, डॉक्टर की मैंने अपनी डिग्री ले ली, लाइक अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, खुद का क्लिनिक वगैरह है, तो वी आर सीरियसली हैप्पी। आज पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? हम मिट्टी गाँव में रहते थे और अभी भी हमारी काफ़ी फैमिली वहीं है। हम उनसे यही विनती करेंगे कि आप सब इंडिया शिफ्ट हो जाइए जी। हाँ, कई ऐसे परिवार हैं, क्या उन्होंने अप्लाई किया है सिटीजनशिप के लिए इंडिया? काफी लोगों ने ट्राई किया है, एक दो फैमिली आई और धीरे धीरे बस हम यही प्रे करते हैं कि फटाफट से गवर्नमेंट ऐसी सुविधा करे जिससे जल्दी से हमारी फैमिली हमारे साथ हो, खुशी से रह सके, वहाँ डर डर के जो जी रहे हैं वो सब यहाँ शिफ्ट हो जाए। ताई, आप पाकिस्तान से कितने साल पहले भारत आ गए? हम 10 साल हुआ ना आए को। पाकिस्तान में आप लोग क्या काम करते? वहाँ भी मजदूरी करते थे, ये लड़के रहते थे बाहर पे, किराने की दुकान थी हमारी। हाँ। और क्यों आपको पाकिस्तान से यहाँ पर आना पड़ा भारत? दिल नहीं लगा उधर, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। कहाँ रहते थे आप पाकिस्तान? अमरकोट जिले पे रहते थे, कुंदरी शहर पे रहते थे। क्या कुछ तकलीफें थी, क्योंकि सरकार कह रही है कि वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ थी इसलिए आप यहाँ? उधर दूसरों को होते थे, हम तो सही थे, दूसरों को होते थे, देख के दिल टूट गया उधर रहने से। क्या देख कर दिल टूट? बस एक बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उठाते थे, एक फर लुट होती थी, मार कुट होती थी, इसलिए हमने छोड़ दिया। डर था वहाँ, थोड़ा डर लगा रहता था। अब आपको जब भारतीय नागरिकता मिली है तो आप बेहतर और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत दिल झुम के उठ रही है, हम इधर के हो गए। खुश हैं आप भारत? हाँ, खुश हैं कि आप भारत के हो गए? बहुत खुश हैं हम, अभी हम यहाँ के हो गए। कहाँ से हैं? एक बात बताइए कि वहाँ पर क्या महिलाएं वाकई में सुरक्षित नहीं महसूस करती? हम तो सही थे उधर, अच्छे थे, हमारे तरफ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे हम नहाते थे। अभी ऐसा बहुत है, अभी जो स्पेशल आदमी है उनको टेंशन। अगर आप वहाँ भी सुरक्षित थे तो आप वहाँ भी सुरक्षित थे तो यहाँ आने की क्या जरूरत? कुछ भी नहीं, ऐसे आए हम, पर अपना मुल्क इसलिए आ गए और कुछ भी नहीं। ऐसा डर बैठा था, हिंदू भाई हिंदू ही है ना, तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे को, मीडियम थे ऐसे हिसाब से हमारे को, हम कुछ भी नहीं था। वो पे अपना मुल्क, ये अपना, ये अभी मेन तो मुल्क यही अपना देश है, इसलिए फिर यहाँ आ गए अपने पास, और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से कई लोग भारत जब आए तो उन्हें पता नहीं था कि उन्हें भारत की नागरिकता भी एक दिन प्राप्त होगी। आज ऐसा ही एक क्षण है जब कई लोग जो पाकिस्तान से आकर जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया, उन्हें भारत ने स्वीकार किया है और उन्हें नागरिकता पत्र दिए गए हैं। मैं इस वक्त अहमदाबाद गुजरात में हूँ और हम ऐसे ही खुश जोड़े से बात कर रहे हैं जो हमें बता रहे हैं अपनी कहानी के बारे में। आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम हितेश गंगवानी है। और आप इंडियन ही हैं, लेकिन आपने अभी अभी मुझे बताया कि आप इंडियन हैं और आपकी जो वाइफ हैं वो पाकिस्तान। हाँ मैम, ये कराची पाकिस्तान से हैं और मैं अहमदाबाद इंडिया से हूँ हम।
और समझो कैसे ये लोग 14 ईयर से यहाँ पे हैं, 2009 में ये लोग यहाँ पे आए थे और 2011 में हम लोग स्कूल में मिले थे और तब से ही लेके हम साथ में ही हैं। क्या बात है, तो आपका भी सीमा हैदर और सचिन वाला जो प्यार है पाकिस्तान और इंडिया के बीच वो हो गया। बिल्कुल मैम एक्चुअली मुझे सबसे पहले मेरी इससे फ्रेंडशिप इसके लिए हुई क्योंकि हर कोई इनको थोड़ा बहुत कैसे बोलते हैं ना, चढ़ाते हैं या क्या उस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान लोगों को सब बहुत उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि पाकिस्तानी लोगों को सब गलत नज़र से ही देखते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंडशिप इसके साथ इसके लिए हुई। फिर मैंने देखा कि नहीं यार ये लोग काफ़ी यहाँ पे, इनको यहाँ पे रहना ही है, कुछ भी हो जाए इनको यहाँ पे रहना ही है और ये लोग वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करते थे, तो मैं नहीं चाहता था कि ये लोग यहाँ पे भी आके किसी के साथ, हमको पता था यहाँ पे आके भी ये लोग सेट हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने इनसे फ्रेंडशिप की और फ्रेंडशिप कब लव में बदल गई हमको पता ही नहीं चला। हाँ, और ये जैसे बताते थे ना तो मुझे आज भी इनके जैसे इसके पूरे मामास वगैरह वहीं पे, मेरी उनसे बात होती है, वो मेरे को बोलते हैं हम चाह के भी वहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि अब शायद वहाँ पे उनकी सरकार ऐसी हो चुकी है ना, वो इंडियंस को वहाँ पे समझो पाकिस्तानियों को इंडियन जाने ही नहीं दे रहे, तो आज भी वो मेरे को बोलते हैं कि कुछ करो हमको सबको यहाँ पे आना है क्योंकि वो लोग सब देखते हैं, इनके 8 मामा हैं, 4 मामा आ चुके हैं, 4 मामा वहीं पे हैं और वो आज भी कहते हैं कि हमको आना है और उनके भाई यहाँ पे लगे हुए हैं कि कुछ तरीका मिल जाए और हमारे भाई यहाँ पे सेट हो जाए, क्योंकि वो लोग देखते हैं ना इन सब ने ही, मतलब जैसे मेरे ससुर जी ने, इसके मामा जी ने, सब ने यहाँ पे आके अच्छी तरक्की अच्छी प्रगति कर ली, इंडिया में आके सब ने 10 सालों के अंदर काफ़ी अच्छा अचीव कर लिया, तो वो लोग भी चाहते हैं हम भी एक सुखी ज़िंदगी जिए, सबकी बेटियां आगे बढ़ रही हैं और उधर आज तक लड़के भी समझो दुकान पे समझो अगर पैसे लेके बैठे हों या गोल्ड की चेन पहन के बैठे हों तो वहाँ पे समझो उसी टाइम शूट हो जाते हैं वहाँ पे, समझो आज भी वो लोग बताते हैं। और महंगाई तो पूरे विश्व को ही पता है कि वहाँ पे महंगाई तो कितनी हो रखी है, तो इस वजह से उन लोगों को ऐसा है कि नहीं हमको एक सिक्योर नेशन में जाना, और सिक्योर नेशन सबको पता है इंडियन जैसा सिक्योर नेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, तो हम इसी वजह से हम समझो यहाँ पे एक चीज़ अगर हम बोलते हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर सकती है जो वहाँ पे दिल से आना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, और बाकी आप इनसे पूछ लीजिए इनकी वहाँ की कहानियाँ। मैं जस्ट अभी पूछना चाह रही थी, ये तो दामाद बन गए तो इन्होंने तो बीड़ा उठा लिया है आपके परिवार के लोगों को भी भारत लाना है, आप पाकिस्तान से थी और आपको लोग चिढ़ाते थे ये कह रहे हैं पाकिस्तानी, तो तब कैसा लगता था? बहुत मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि यार मैं हिंदू क्यों, मैं पाकिस्तान में क्यों रहती हूँ, मतलब आप हिंदूज को ऐसे ट्रीट करते थे ना कि जैसे आतंकवादी हूँ ऐसा टेररिस्ट हो, बट यहाँ पे इंडिया में आके बिल्कुल भी किसी के लिए भी ऐसा मतलब रिलीजनशिप में कुछ भी ऐसा नहीं भेदभाव, इंडियन हो या पाकिस्तान से हो या किसी भी कंट्री से हो, यहाँ पे सभी इक्वल हैं वाले बन बिल्कुल आपको चिढ़ाए बिल्कुल नहीं स्कूल टाइम तक था वो सिर्फ समझो महीना दो महीना जब तक ये लोग न्यू आए थे ना, उसके बाद समझो सब समझ गए, देखो जब तक हम किसी से मिले जुले नहीं बात नहीं करें तो हमको भी ऐसा ही लगता है कि नहीं यार ये लोग भी ऐसे ही होंगे, बट फिर जैसे जैसे लोग जानने लगे पहचानने लगे सबको लगा नहीं यार ये लोग जेन्युइन लोग हैं और जेन्युइनली, और सबने जैसे इनकी समझो 3 सिस्टर्स हैं और तीनों ही आज वेल सेटल फैमिली में मैरिड हैं, मतलब समझो एक छोटी है यंगर है बाकी 2 एल्डर सब अच्छी जगह पर फैमिली में मैरिड हैं और सभी लोग खुश हैं, तो समझो हम इसके लिए ही चाहते हैं कि जो फैमिलीज वहाँ से दिल से आना चाहते हैं तो वो लोग आए और यहाँ पे आके हमारे नेशन को और ज़्यादा प्राउड फील हो। एक बात बताइए आपकी शादी को अब कितने साल हो गए? 4 years जी, और आज आपको भारत की नागरिकता मिल रही है शादी के 4 साल बाद जी। भारतीय तो अब तभी हो गई थी जब आपने इनसे शादी कर ली थी, ठीक है, तो सीमा हैदर और सचिन जैसी ये कहानियाँ पहले भी होती आ रही हैं भारत में, मैं सही कह रही? बिल्कुल जब हम गदर पिक्चर देखने गए थे ना गदर 2 तो बोलते हैं ना सन्नी बाजी तो पाकिस्तान का दामाद है, तो मेरे ससुर वाले मेरे को जो उधर बैठे हैं ना आज भी इसके मामा लग, तो वो भी बोलते हैं तू भी पाकिस्तान का दामाद है चिंता मत कर हमको यहाँ पे बुला ले, तो वो सब बताते ही हैं ऐसा। हाँ तो वो समझो सब मेरे को बोलते ही रहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, मैंने बोला पक्का हम यहाँ पे जब भी मैं पायल मैम से मिलता हूँ, मैं एक बार मिला था मैंने तब भी उनको बोला था, पर अभी क्या वहाँ से पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में जब तक वो रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है और वहाँ पे अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने को रेडी नहीं है इस रिगार्डेड, तो फिलहाल इस वजह से वो वहाँ पे स्टक नहीं है, बट वो काफ़ी दिल से चाहते हैं कि हम लोग इंडिया आए। लोग हैं पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, वो एक जो डायलॉग बोलते हैं ना अगर एक बार इंडिया अलाउ कर दे और समझो आधा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, आधा नहीं 75% लोग यहाँ आ जाएंगे, हिंदू तो एक भी नहीं बचेगा, मैं लिख के देता हूँ वहाँ पे जो लोग तरस रहे हैं ना इंडिया की, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इंडिया जो इस टाइम पे ग्रोथ लेवल पे है ना पूरा वर्ल्ड देख रहा है और वो लोग दिल से चाहते हैं कि हम यहाँ पे आके बसें और हम अपनी बेटियों का सुरक्षित रखें, सबसे बड़ी में बड़ी मैम आपको भी पता है
लड़कियों के लिए सेफ्टी हर किसी की प्रायोरिटी है। और उधर बिल्कुल मैम बिल्कुल, वहाँ पे जो मेन में मेन है ना कि लड़कियों के लिए वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे आप देखते हो लड़की इतनी आईटी सेक्टर्स में आगे हैं, आप देख रहे हो पॉलिटिक्स में भी इतनी आगे हैं, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ पे लड़कियों के लिए मीडिया पे रील्स देखते हैं, लड़कियाँ पाकिस्तान से खूब सारी रील्स वगैरह बनाती हैं, तो क्या वहाँ पे अब डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं आया? मैम ठीक है, कुछ कुछ इलाकों में होगा, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स हैं जिनसे आज भी हमारी बातचीत होती है, तो वो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स लोग ठीक है आज भी वो लोग वो इतना नहीं बोलते हैं, बट ठीक है जो जैसे हिंदू कम्युनिटी ना कि हमें रहना ही यहाँ पर, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इंडिया जा ही नहीं सकते, तो अभी उनको वहाँ पर ही रहना है तो रहते हैं ऐसा मतलब के। आपकी फ्रेंड्स रील्स वगैरह जब बनाती हैं तो आपकी बातचीत होती है उनसे, क्या वो क्या कह रही हैं आपको भारतीय नागरिकता मिल गई है? यही बोलती है रील्स वगैरह सब सिर्फ जस्ट शो ऑफ है, बस हमको पता है वहाँ पर कैसे रहना है ऐसा, अब एक एक दिन निकालना भी ना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं इसकी वजह से। आप लोग भी मैम कराची के आसपास ही रहते हैं? कराची में ही। एक्चुअली वहाँ पे मैम कैसा है, जिसके पास पैसा है तो ठीक है, पैसा है तो भी डर तो है कि कभी भी तुम खत्म हो जाओगे, बट जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वहाँ पे, समझो आपको पता है आटा वहाँ पे बीच में टमाटर 400-500 रुपए किलो, आटा तो 200 रुपए किलो नॉर्मल है वहाँ पे हर एक चीज, तो वो लोग समझो जो मिडिल क्लास फैमिली है ना वो सर्वाइव करने के लिए इस टाइम पे समझो स्ट्रगल है, और वहाँ पे कमाई इतना आसान तरीका नहीं है, उधर आप कमाने के तरीके ढूंढोगे आपको खत्म कर देंगे ऐसा, और जिसके पास पैसा है उनको भी टेंशन है, और उधर मैम हथियार वथियार तो बहुत नॉर्मल है, मतलब वहाँ पे हर कोई अपने घर पे रिवॉल्वर राइफल तो रखता ही है, ऐसा है नॉर्मल है ठीक है, हाँ अपनी सेफ्टी के लिए समझ दो यहाँ बस कुछ भी, उधर तो समझो कैसा है कुछ भी कर सकते हो, उधर की सरकार को कैसा नहीं है क्या नॉर्मल इंसान भी डॉन नहीं है समझो। जिनसे बात कर रही हूँ इस वक्त वो बहुत ही खुश लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैम को तो अभी अभी भारतीय नागरिकता मिली है, और जो सर हैं यहाँ पर ये दामाद हैं पाकिस्तान के, जैसे इनके परिवार इनको कहता है, बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि कई ऐसे हिंदू नागरिक जो पाकिस्तान में सेफ नहीं फील करते भारत उनको नागरिकता दे रही है, लेकिन देखना ये होगा कि और भी जो समुदाय हैं जैसे वहाँ के अहमदियाँ हैं, अगर वो भी आप कह रहे हैं अनसेफ फील करते हैं, या जैन हैं या ईसाई हैं, क्या भारत उनको भी इस तरीके की नागरिकता देगी? लेकिन आपकी जो लव स्टोरी है वो मुझे देखकर आज सीमा और सचिन हैदर के प्रेम कहानी की भी याद आ गई, जिसको मिलियंस जो लोग हैं वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और टीवी पर, और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सीमा हैदर से पहले भी ऐसी क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान और भारत की प्रेम कहानियाँ होती रही हैं। प्रीति रावल के साथ अहमदाबाद गुजरात से मिलन शर्मा।